हाँ भाई इसका रिव्यू बनना ना आज, एंट्री ले लेते हैं फिर। डब्बा बड़ा लगना चाहिए, वो ऐसे ही लगता है भाई। ओ भाई निकल गया। गाइस बहुत भारी चीज आ गई आज स्टूडियो में। ओ, ओ, ओ भाई वाकई में बहुत भारी है भाई। खोल दे फिर, हथियार इज पैक गाइस। भाई खोलू कहाँ से इसको? भाई तुम भी सीख लो, हमेशा ऐसे विचित्र डब्बों को ना नीचे से खोला करो। तो भाई ये टेबल पे खोलना रिस्की लग रहा है मेरे को, नीचे ही खोल लेंगे इसे। अब फिर नीचे से खोलना है। ओ भाई दोनों भाई भाई लग रहे हैं। ओ भाई खंबा है भाई बिल्कुल। भाई बैलेंस बनाना मुश्किल है भाई। भाई गिरियो मत भाई, भाई हाथ जोड़ रहा हूँ, गिरियो मत भाई। हाँ लटा देता हूँ, सही कह रहा है। पहले बाकी का सामान देख लेते हैं। तो भाई एक स्पीकर तो ये रहा, ये रहा भाई अपना दूसरा स्पीकर, देन भाई ये हिस्सा अलग होगा, और ये रहा फाइनली अपना पूरी लंबाई में साउंड बार। इसके अंदर एक तो मिलता हमें ये पाउच जिसके अंदर बाकी का बहुत सारा सामान है, और एक ये दीवार पे अटकाने वाले होल्डर भी हैं। बस थर्माकोल ही थर्माकोल हर जगह। क्या कर रहा है भाई तू? इसमें अलग ही मजा है। तो आ जा भाई अपने पास जबरोनिक्स की बंदूक। हटाओ इसे। तो ये है भाई जबरोनिक्स का, नाम क्या था इसका, जेब जुगबार 7400 प्रो 5.1। तो ये 5.1 चैनल होम थिएटर, मतलब 5 स्पीकर और एक अपना सबवूफर। नीचे ही ठीक है तू। तो अगर तुम्हें पहले याद हो तो हमने बोट का साउंड बार रिव्यू किया था, जिस पर बहुत ही तगड़ा प्यार दिया तुमने, मतलब मिलियन करवा दिए भाई साहब। प्यार हो तो ऐसा, वरना हो ही ना। फिर जेब्रोनिक्स का स्मार्ट साउंड बार रिव्यू किया मैंने, एलेक्सा वाला। तो काफी लोगों ने यार इस वाले स्पीकर के लिए कमेंट किया था कि इसका भी रिव्यू बना दो। फिर क्या था, फटाफट ऑर्डर बिठा दिया भाई साहब। खोल दे फिर। ओ भाई फिनिशिंग देख रहे हो इसकी, ये तो अपना सब ऊपर। देन आता भाई अपना एक पीछे का सैटेलाइट स्पीकर, सेम ही शक्ल है दोनों की, लेकिन लग काफी प्रीमियम रहे हैं। तो ये है अपना सबसे बड़ा डंडा, तगड़ा है भाई। और ये इसके साथ दो मेटल के होल्डर आते हैं, मतलब दीवार पे भी अटकाना चाहो तो अटक जाएगा ये। और ये है बाकी की सामग्री। तो एक मिलता है इसके साथ रिमोट, एक ऑडियो इनपुट की केबल, और यूजर मैनुअल के लिए QR कोड, ये कुछ छोटे छोटे रबड़ के पैड मिलते हैं, मतलब माउंट के वक्त काम आ सकते हैं। दो AAA बैटरीज, चलो ये अच्छी बात है, कुछ लोग ये भी नहीं देते। और ये भी माउंट करने के लिए भाई पेच वेच मिलते हैं, तो सामान की कमी नहीं है भाई, सारी सामग्री मिलती है। अब अगर डिजाइन की बात करें, जो अपना डंडा है, मतलब जो अपना साउंड बार है, इसके अंदर टोटल 3 स्पीकर इंटीग्रेट कर रखे हैं। तो फ्रंट में हमें पूरी एक आयरन की मैश मिलती है इसके ऊपर, एंड या लेफ्ट साइड पर जेब्रोनिक्स की ब्रांडिंग, और एक स्पीकर बिल्कुल राइट साइड पे मिलता है, यहाँ पर हो सकता है कैमरे पे दिख भी रहा होगा तुम्हें, एक सेंटर में मिलता है, और एक हमें लेफ्ट साइड पर भी स्पीकर इसके अंदर मिलता है। तो टोटल 60 वॉट्स का आउटपुट है इस साउंड बार का, तो 20-20-20 का मतलब समझ रहे हो ना। बाकी यहाँ राइट साइड पर हमें इसके एक USB पोर्ट मिलता है, और यहाँ रबराइज्ड बटन मिलते हैं हमको, एक पावर का, वॉल्यूम प्लस माइनस का, और एक सोर्स का बटन ब्लूटूथ HDMI मतलब चेंज करने के लिए। बाकी लेफ्ट साइड से बिल्कुल प्लेन है, यहाँ पर कुछ नहीं मिलता। पीछे की साइड हमें मिलती है इसकी केबल जो यहाँ से निकलती है, तो पीछे से पूरा एकदम ये ग्लोसी फिनिश में आता है, थोड़ा संभाल के रखना, स्क्रैच वगैरह आ सकते हैं। एंड या लेफ्ट और राइट साइड पर यहाँ पेच मिलते हैं हमको, ये माउंट करने के लिए बेसिकली। तो यहाँ पर हमें एक ऑक्स का पोर्ट मिलता है, एक ऑप्टिकल पोर्ट मिलता है, और एक HDMI का पोर्ट भी मिलता है। और ये HDMI ARC वाला है, मतलब ऑडियो रिटर्न चैनल वाला, तो HDMI के थ्रू अगर ऑडियो शेयर करनी है तो वो भी इसमें सपोर्टेड है। पोर्ट्स के अलावा अगर वायरलेसली भी कनेक्ट करना चाहो तो तुम ब्लूटूथ से कर सकते हो, और इसमें हमें ब्लूटूथ 5.0 मिलता है। एंड ये जो 3 छेद देख रहे हो, लाल सफेद और पीले, ये बेसिकली लेफ्ट और राइट स्पीकर और सब वूफर के लिए मिलता है, तो वो भी तो कनेक्ट करने पड़ेंगे ना यार, ऐसी थोड़ी ना होम थिएटर बन जाएगा। घूंघट ढक देते हैं वापस। तो अगर दीवार पर माउंट नहीं भी करते तो नीचे हमें यहाँ पर 2 रबर पैड्स भी मिलते हैं इसके, तो टेबल वगैरह पर रख के भी अगर तुम यूज करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। बाकी डेफिनेटली डिजाइन काफी प्रीमियम लगा मेरे को साउंड बार का, और बिल्कुल एकदम हैवी फील होता है, और बहुत ज्यादा प्रीमियम भी लगता है। अब अगर सबवूफर के डिजाइन की बात करें, तो सबसे पहले फ्रंट में तो हमें एक छेद मिलता है बहुत ही बढ़िया से डिजाइन के साथ, तो हवा हुआ पास हो जाएगी, मतलब पूरी स्पीकर की हवा। एंड नीचे अपनी जेब्रोनिक्स की ब्रांडिंग, पूरा वुडन कैबिनेट है भाई, यहाँ लेफ्ट साइड पर एक पर्दा लगा हुआ है, और बाकी राइट साइड बिल्कुल प्लेन है, कुछ नहीं मिलता। एंड नीचे की साइड 4 रबर ग्रिप मिलती है, तो रखने के काम आएगी ये आराम से भाई, आराम से रख सकते हैं मतलब एकदम। और ये 6.5 इंच का सबवूफर, और टोटल इसका आउटपुट है भाई 70 वॉट्स का, लेकिन उठाने में काफी हल्का हल्का सा लगता है, एंड दिखने में भी काफी पतला सा है, तो स्लीक और प्रीमियम डिजाइन लगता है ओवरऑल इसका, लेकिन इसकी शक्ल पे मत जाना भाई, बवाल चीज है ये, आगे पता लग जाएगा तुम्हें। देन आते हैं अपने छोटे छोटे से सैटेलाइट स्पीकर, और ये बेसिकली पीछे रखने के काम आएंगे, तो मतलब आगे
साउंड बार रख के, नीचे सबवूफर रख के, पीछे स्पीकर रख के, पूरा एकदम होम थिएटर बन जाएगा बिल्कुल 5.1 चैनल वाला। एंड इस वाले स्पीकर पे भी सामने हमें आयरन की मैश मिलती है, एंड ये भी यहाँ पर पूरा ग्लॉसी मटेरियल है, तो भाई तो काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है देखने से। एंड पीछे वॉल पे माउंट करने के लिए छेद दिया हुआ है, एंड बाकी अगर कहीं पे रखना है तो नीचे इसके भी चार छोटी छोटी रबर ग्रिप्स मिलती है, तो रखना चाहो तो रख भी सकते हो। और ये वाला भी पूरा एज इट इज सेम मिलता है, दोनों मतलब भाई भाई है, जुड़वा भाई है। और इन दोनों का टोटल आउटपुट है 25-25 वोट्स का, तो टोटल 50 वोट्स का आउटपुट ये दोनों निकाल देंगे, तो टोटल सबको मिला करके 180 वोट्स का टोटल आउटपुट हमें मिल जाएगा इस होम थिएटर से। चीचा चीचा सेटअप करवाओ भाई। ये छोटे वाले स्पीकर्स की जो वायर है ये बहुत ही ज्यादा बड़ी मिलती है, लिटरली बहुत बड़ी है। यहाँ लगाऊंगा ना पूरे कमरे में, अगर पीछे तक भी लगाना चाहो तो भी आराम से लग जाएगी। तो ये लेफ्ट और राइट के लिए है, तो जहां भी लगाना चाहो तुम्हारी मर्जी है। तो ये है भाई इसका रिमोट, तो कुछ ऐसा आता है इसका रिमोट, एकदम छोटा सा है, बिल्कुल हाथ में फिट हो जाता है। एंड ये पूरा प्लास्टिक का रिमोट है, लेकिन इस पे भाई फिनिशिंग सी कर रखी है आगे की साइड पर, तो ये काफी ज्यादा तगड़ी लगती है, लेकिन काफी ज्यादा हल्का फुल्का सा है। तो यहाँ पर एक पावर ऑन ऑफ का बटन मिलता है हमको, और एक मिलता है म्यूट का बटन। एंड यहाँ पर बाकी सारे इनपुट आउटपुट तुम देख सकते हो क्या क्या चीजें मिलती है सिलेक्ट करने के लिए। एंड यहाँ ट्रेबल को कम ज्यादा करने के लिए, तो यहाँ SW का मतलब है भाई सबवूफर मतलब की बेस वाला। बाकी यहाँ पर मूवी म्यूजिक और न्यूज पोर्ट के ये चार मोड्स मिलते हैं। एंड ये सेंटर की तरफ साउंड को कम या ज्यादा करने के लिए, और ये सराउंड साउंड को एडजस्ट करने के लिए, तो फंक्शनैलिटी पूरी मिलती है इसके अंदर। तो यहाँ एक छोटी सी डिस्प्ले लगी हुई मिलती है हमको, और जिस पर लगा बीटी मतलब ब्लूटूथ, और ऑन होते कुछ ऐसी आवाज करता है। रिमोट से अगर कम ज्यादा करते हो बेस या ट्रेबल को, +5 से लेकर के -5 तक जाता है। बाकी अगर इस डिस्प्ले को बंद करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, यहाँ डिस्प्ले वाले बटन पे क्लिक करोगे तो डिस्प्ले अपनी बंद हो जाएगी। इनकेस अगर तुम्हें डिस्प्ले नहीं देखनी तो मतलब मर्जी है भाई। तो ये अपना जेब्रोनिक्स ज्यूक बार शो हो गया, इससे कनेक्ट कर लेते हैं भाई। आहा, क्या आवाज आती है। तो बहुत होगी बातचीत, अब सीधा साउंड टेस्ट करते हैं भाई। क्या चलाऊं तो अभी एक नॉन कॉपीराइट म्यूजिक चला रहा हूँ, और वॉल्यूम अभी 55-56 रख रहा हूँ, देख लो फिर आवाज। मजा नहीं आ रहा क्योंकि सब ऊपर रखा हुआ है, इसको हमेशा जमीन पर रखना, हम भी रख के देख लेते हैं। तो हमने पूरा होम थिएटर वाला एक्सपीरियंस करने के लिए सब ऊपर नीचे रख दिया, साउंड बार बिल्कुल एकदम फ्रंट पे जहां से होना चाहिए, और लेफ्ट राइट साइड पर अपने छोटे स्पीकर रख दिए। अब होगी ना धूमधाम। तो मैंने पूरी कोशिश करी है तुम्हें तगड़ा साउंड एक्सपीरियंस करवाने की, लेकिन मैं भाई बिल्कुल एक्चुअल तो नहीं बता सकता, वो जब तुम खुद सुनोगे तुम्हें तभी पता चलेगा। और बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल चीज है भाई, मतलब मैंने हर तरह का म्यूजिक इसके अंदर सुन करके देख लिया, मतलब हिप हॉप से लेके क्लासिक म्यूजिक तक जो भी तुम सुन सकते हो मैंने म्यूजिक के अंदर इसे पूरी तरीके से टेस्ट कर दिया। और हर गाना बहुत ही ज्यादा तगड़ा लगता है इसमें सुनने में, हल्का फुल्का म्यूजिक भी सुनना पसंद करते हो ना लो वॉल्यूम पे, तो उसमें भी बहुत ही ज्यादा तगड़ा सराउंड एक्सपीरियंस डिलीवर करता है। एंड यही फायदा होता है एक होम थिएटर लेने का, जब तक इन्हें पीछे नहीं रखोगे ना मजा नहीं आएगा भाई। बिल्कुल पीछे रखती पूरा एकदम सराउंड एक्सपीरियंस बन जाता है। अगर बेस लवर हो ना तुम भाई साहब, धुआं उठा देगा भाई, ये अलग ही नेक्स्ट लेवल बेस है इसकी भाई, पूरी धूम धूम मचा देता है। बाकी अगर तुम मूवीज वगैरह भी देखते हो तो एक बार मूवी का टेस्ट भी कर देते हैं। I've seen worse. I'm telling you to suit up. I'm bringing the party. Now might be a really good time for you to get angry. I'm always angry. हमने ना टेस्टिंग के चक्कर में फुल वॉल्यूम पे इसका मूवी सैंपल सुन लिया भाई, पड़ोसी झांकने आ गए क्या हो रहा है। बहुत ही ज्यादा इमर्सिव एक्सपीरियंस है, मतलब तुम खो जाओगे, और मैं सही बताऊं थिएटर में इतना मजा नहीं आएगा जितना तुम अपने घर पे मजा ले लोगे इसे लगा के। एंड डेफिनेटली इसके अंदर जो मोड्स दिए हुए हैं ना एकदम मूवी म्यूजिक वाले, ये काम करते हैं। मतलब कई स्पीकर्स में क्या होता है कि ये खराब हो जाती है साउंड अगर तुम चेंज करते हो तो, लेकिन इसके अंदर साउंड और ज्यादा तगड़ी हो जाती है। एंड डेफिनेटली अडेप्ट कर लेता है ये अपने हिसाब से बिल्कुल। एंड अगर तुम चाहते हो कि सराउंड साउंड कम या ज्यादा हो, तो ये जो सेंटर और जो सराउंड का यहाँ पर बटन मिलता है ना, इससे वो चीज एडजस्ट हो जाती है। जेब्रोनिक से मुझे सही बताऊं इतनी उम्मीद थी नहीं कि इतनी तगड़ी साउंड ये देंगे भाई, हैट्स ऑफ है, लेकिन बवाल चीज बनाई है जेब्रोनिक्स ने। मतलब जेब्रोनिक्स का काफी लोगों को नहीं पता होगा, काफी लोगों को नया ब्रांड लगता है, लोगों को ना ज्यादातर सैमसंग सोनी बोट वगैरह पर ट्रस्ट रहता है, मेरे साथ भी यही चीज थी। ये स्पीकर सुनने के बाद ना मैं ये कह सकता हूं कि
भूल जाओगे तुम। मतलब मैं बहुत बड़े रूम की गारंटी नहीं दे रहा, लेकिन जितना बड़ा मेरा स्टूडियो है ना, लाइक ये 10x10 फुट के आसपास होगा, और इस रूम के हिसाब से ना मोर देन इनफ साउंड है, फुल वॉल्यूम पर मैं नहीं सुन सकता। और ये मैंने खुद परचेज किया है, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। अगर यकीन नहीं आ रहा ना भाई, तो खुद किसी स्टोर पे जाकर के एक्सपीरियंस करके देखो इसकी साउंड को, तुम्हें पता चल जाएगा कितनी तगड़ी साउंड दे रहा है। तो ऑल इन ऑल अगर तुम इसमें म्यूजिक का एक्सपीरियंस करना चाहते हो या मूवीज वगैरह देखते हो, कुछ भी अगर तुम देखते हो ना इस होम थिएटर से, डेफिनेटली तुम्हारा एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा तगड़ा हो जाएगा। एंड मैं आंख बंद करके रेकमेंड करूंगा कि अगर तुम 10,000 के आसपास एक होम थिएटर ढूंढ रहे हो ना 5.1 चैनल में, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। तो डेफिनेटली इसके लिए तुम जा सकते हो। बाकी हो सकता है सेल वगैरह में और भी तगड़े तगड़े डिस्काउंट पे ये देखने को मिल जाए तुम्हें। तो अगर खरीदना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक वगैरह सब चीजें मिल जाएंगी। तो अगर किसी के पास ये वाला स्पीकर है तो तुम भी भाई एक बार कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देना, ताकि और लोगों को पता चल जाए। बाकी अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक मार सकते हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, लाल बटन ग्रे करके बेल आइकन पे ऑल। और हम मिलेंगे तुमसे ऐसी किसी मस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, गुड डे एंड बाय।